नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं इस महीने का राशिफल, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपकी राशि के बारे में सामान्य बातें, करियर, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, परिवार और समाज और एक उपयोगी सलाह। मेरा ये पूर्णमान 1 जुलाई 2018 से लेकर 31 जुलाई 2018 तक के लिए रहेगा। दोस्तों, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है ना? अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी वाले निशान को भी जरूर क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल ट्रेंड्स। ग्रहों की गोचर की स्थिति इशारा कर रही है कि आपको इस महीने सामान्य से अधिक यानी कि कड़ी मेहनत पर अधिक निर्भर रहना होगा। घर का वातावरण और कार्य क्षेत्र की स्थितियां भी बहुत बढ़िया नहीं दिख रही हैं। इसलिए समझदारी इसमें है कि इस महीने आप उम्मीदों और अपेक्षाओं को थोड़ा कम कर लें। इस महीने के दौरान आप कोई भी कमिटमेंट करने से पहले सावधानी से जांच पड़ताल जरूर करें। आपको अपने काम को प्राथमिकता के अनुसार करने की आवश्यकता होगी। आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी धन या प्रमोशन या इंक्रीमेंट पाने में विलंब हो सकती है। कुछ वृषभ राशि के जातक महसूस कर सकते हैं कि इस महीने करियर या धन के मामलों में विकास काफी सुस्त है। आप में से कुछ जातक व्यावसायिक मामलों या अपनी नौकरी से संबंधित काम के लिए यात्राओं पर जाएंगे, लेकिन ये आपकी आशा के अनुसार फायदे नहीं लाएंगे। तीसरी बात, यदि आप शेयर बाजार में पैसा लगाने का विचार कर रहे हैं तो सावधान रहें। इस महीने मुनाफे की तुलना में घाटे अधिक होने की संभावना हो सकती है। इस महीने आपके और आपके जीवन साथी के बीच का रिश्ता अधिक मजबूत होने के साथ साथ प्यार में भी बढ़ोतरी हो जाएगी। यहां तक कि अगर आप दोनों के बीच में छोटी मोटी असहमतियां भी होती हैं तो वह आपके प्यार को प्रभावित नहीं कर पाएंगी। छोटे मोटे मतभेदों को आप दोनों धैर्य से और विचार विमर्श करके आसानी से सुलझा सकते हैं। पारिवारिक मामलों में आपको इस महीने सावधान रहना होगा, क्योंकि अलग अलग मामलों पर आप और आपके परिवार के सदस्यों के बीच कुछ असहमति और नोकझोंक हो सकती है। यह टफ पीरियड 16 जुलाई के बाद आ सकता है। एक अच्छी बात, महीने की शुरुआत में घर में हार्मनी और पीस का अच्छा लेवल होगा। आप कंस्ट्रक्शन साइट, ऐसी जगह जहां गैस के सिलेंडर्स को स्टोर किया जाता है, या तेज धारदार वस्तुएं जिनसे चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना है, इन सभी चीजों से दूर ही रहें। तो मित्रों, यह था आपकी राशि के अनुसार मेरा पूर्णमान इस महीने के लिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर हमसे ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको सिर्फ हमें एक फोन करना होगा और ज्योतिषीय सलाह के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे, यह एक पेड कंसल्टेशन होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक भी करें। हमारे आने वाले अन्य वीडियोज की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।